बार बार उल्टी आना क्या यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी लोग मेरे तरफ आते हैं और वो इसके बारे में कंप्लेन करते थे कि हमको बार बार उल्टी आती है, पिछले 4 साल से उल्टी आ रही है और सभी ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो चलो आज उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यो महाराष्ट्र में 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्पेशली यंग लोग जो है 15 साल के ऊपर 30 साल तक ऐसे लोग आते हैं, और दूसरा एक क्लास है 40 से 50 साल के बीच में लेडीज़, वो आती रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया है कि उनको उल्टियाँ आती है। अब ये जो लड़के हैं 15 साल के ऊपर के, तो ये उल्टियाँ आती हैं मतलब कुछ खाया कि उलट दिया, खाया कि उलट दिया। तो फिर होता क्या है कि वो जाते हैं गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास में, पचन विकार तज्ञ जो है उनके पास में जाते हैं, और उनके पास में सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंडोस्कोपी, सोफेगोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, फलानोस्कोपी, ढंगा सब स्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब कर लेंगे, यूएसजी एब्डोमेन कर लेंगे, सोनोग्राफी कर लेंगे, कुछ भी मिलता नहीं है। सब तरह की दवाई खाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। उल्टी तो रोज़ कर रहा है, ये पछता नहीं है और बहुत हैरान होके फिर हमारे पास में आते हैं। मेरे पास में जब आते रहते तो उनके पास में बहुत सारी फाइल रहती है, गड्डी रहती है, बहुत सारी दवाइयाँ उन्हें ली रहती है, और वज़न 5 से 10 किलो 15 किलो कम हुआ रहता है। उसे मिलता तो कुछ भी नहीं है, फिर अभी क्या करना। मैं पूरी उनकी हिस्ट्री लेता हूँ और हिस्ट्री लेने के बावजूद भी कुछ भी मिलता नहीं है वैसा। फिर हम डीप जाते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, साइकोडायनामिक्स देखते हैं इसके पीछे का, कि वो उल्टी हो रही है तो क्यों हो रही है, अंदर क्यों नहीं जा रहा है। साइको एनालिसिस में इसका एक विश्लेषण दिया हुआ है कि भाई उसको दिमाग में कुछ रखना नहीं है, वो बाहर निकालना चाहता है और बाहर निकाल नहीं रहा है, बाहर निकालने की इच्छा नहीं है, निकाल नहीं रहा है, जो भी दिमाग में अंदर है फिर वो अनाज के माध्यम से बाहर निकाल रहा है। फिर हमको देखना पड़ता है दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपके दिमाग में है, बाहर निकालते नहीं हैं, आप शेयर करते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटन होते जा रही है और फिर फ़ायदा नहीं हो रहा है। काफ़ी सारा पैसा, 1000 रुपये खर्चे है, साल भर चले गए, कुछ कुछ लोगों के 3-3 साल चले जाते हैं और इलाज होता नहीं है। फिर जब हमारे पास में आते हैं हम डिटेल लिस्ट ही लेते हैं और बाद में देखते हैं कि भाई अंदर क्या चालू है, क्या हो रहा है। तो यूजुअली हमको जो मिलता है अंदर वो ऐसा रहता है कि एक तो माँ बाप के, उनके मतलब बेटा रहा, बच्चा रहा तो माँ बाप के झगड़े हैं, थोड़ा ऊपर उम्र का रहा मतलब 21, 22, 25 साल का तो ब्रेकअप हुआ रहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर। लड़की रही है तो कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, उसका कुछ तो भी मैटर है, बॉयफ्रेंड है, डिच किया है, या कभी सेक्स किया है और अभी उसको डर लगता है कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी तो उसकी उल्टियाँ उसको हो रही है बार 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 बार, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का मैटर है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, वो दिमाग में बैठा हुआ है, भाई भाई के झगड़े हैं, कोर्ट मैटर चालू है, कुछ ना कुछ दिमाग में चालू रहता है। खुद के बारे में गिल्ट फीलिंग, अपराधीपन की भावना, फिर मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे में कुछ तो भी कमी है, या फिर किसी के ऊपर गुस्सा करना, खुद को कोसना, खुद को प्यार नहीं करना, खुद का स्वीकार नहीं करना, लोगों को कोसना, लोगों को प्यार नहीं करना, लोगों का स्वीकार नहीं करना, तो ऐसी काफ़ी सारी बातें रहती है, लोगों के ऊपर गुस्सा करना। तो ये सब बातें जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल आता है। मैं तो ये देखता हूँ, उसके साथ साथ उनको एवर्शन थेरेपी देता हूँ। हम क्या करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं जिससे उनका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कम हो जाती है, और उनको एवर्शन ट्रीटमेंट हम देते हैं। एवर्शन ट्रीटमेंट ये लोगों में बहुत बढ़िया काम करता है। एवर्शन ट्रीटमेंट के लिए एवर्शन ट्रीटमेंट मशीनरी रहती है, वो हम लगाते हैं, एवर्शन ट्रीटमेंट मशीन, और वो मशीन लगाते हैं तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा उसका हो जाता है। और बाकी कुछ तरीके हैं एवर्शन के जिसका डिटेल और मैं कोई वीडियो बताऊंगा, मगर वो एवर्शन ट्रीटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होता है। यूजली लोग जो आते हैं वो ऐसा आते हैं कि नहीं नहीं हमको भी बस दवा लिख के दो, हम चले जाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ भी आपको 1 साल से 3 साल से उल्टियाँ हो रही है, आप मेरे से 1 घंटे में कैसे क्या अपेक्षा करते कि मैं 1 घंटे में कुछ दवा लिख के दूँ और आपका ठीक हो जाएगा। आपने दवा तो पहले ही लेके रखी है, आपको यहाँ भर्ती रखना पड़ेगा। फिर मैं उनको 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा भी है सहूलत वैसा उनको भर्ती रखता हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते उनको एवर्शन ट्रीटमेंट देते हैं और उनका क्लियर प्रॉब्लम निकल जाता है क्लियरली। और बोलते रोज़ उल्टी करने वाला अभी अच्छा खा रहा है, पहले अच्छा बोल रहा था कि तलावा चलता नहीं, बैंगन चलता नहीं, प्याज चलता नहीं, अमका ढमका जो भी है सब चलने लगता है, उल्टिया उल्टिया कुछ नहीं है और एकदम ठीक हो जाता है। तो ये जो है ये साइकोलॉजिकल वोमिटिंग है, साइकोजेनिक वोमिटिंग है,
इसका असर जो है वो दिमाग के ऊपर देखना पड़ता है, और दिमाग के ऊपर असर है करके उल्टियाँ हो रही है, और वो यदि हम ठीक करते दिमाग का असर तो ये उल्टियाँ भी ठीक हो जाती है। कभी कभी फिर दिमाग का असर यदि नहीं निकाला हमने जड़ से, उल्टियाँ ख़त्म हो जाती है और कोई लक्षण चालू हो जाता है, जैसा कि फिर हेडेक चालू हो जाए, जैसा कि फिर कॉन्स्टिपेशन और लेटरिन नहीं होना चालू हो जाएगा, लेटरिन जा और नहीं तो फिर पेट फूलना चालू हो जाएगा, या फिर बॉडी एक्सेंट पेन चालू, मतलब कहीं ना कहीं और कुछ तभी दर्द होना चालू हो जाता है। इसलिए बीमारी का इलाज जड़ से करना जरूरी है कि अंदर क्या है, दिमाग में क्या घुसा हुआ है, क्या निकालना जरूरी है, तो वो निकाले तो हरदम का इलाज हो सकता है। बाकी दवाई 15 दिन महीना भर ले लो, बाद में दवाई छोड़ दो तो ये करेंगे तो डेफिनेटली साइकोजेनिक वोमिटिंग जो है, साइकोलॉजिकल वोमिटिंग है, मानसिक तौर पे टेंशन है उसकी वजह से जो उल्टियाँ हो रही है वो ठीक हो सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।